हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ लक्ष्मी। आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अभी है दोपहर का समय, दोपहर का 3 बजने वाला है। और अब मैं करूँगी थोड़ा सा कपड़ा सिलाऊँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। दोपहर से खाना वगैरह सब कुछ खा ली हूँ। और चलिए मेरा ब्लॉग अभी रोज़ सुबह 6:30 या फिर 7 बजे आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए। सो गाइस, अभी मैं कपड़ा सिलूँगी। सोच रही थी तो मेरे बाबू आ गया है और इसे लगाना है वॉच। तो बोला था मम्मी मेरे को पहना दो, इसे आता नहीं है तो इसी वजह से इसे पहना रही हूँ। और उसके बाद फिर मशीन को बीच में करूँगी, फिर मैं सिलूँगी कपड़ा। और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज का छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सिलते हैं कपड़ा। बस थोड़ा सा ही सिलना है, ज़्यादा नहीं है। और मैं ज़्यादातर रात को सिलती हूँ, दिन को अभी थोड़ा सा टाइम मिल गया, खाना वगैरह खा ली हूँ तो इसी वजह से मैं अभी सिल रही हूँ। और उसके बाद आज आपके साथ शेयर करूँगी छोटा सा सिंपल सा एक रेसिपी। अगर आप लोग भी चाहते हो तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंड तो चलिए मैं सिल लेती हूँ। और मशीन को मैं बीच में कर ली हूँ। मेरा मशीन कभी इधर होता है, कभी उधर होता है कपड़ा सिलने के लिए। कभी मैं बीच में करती हूँ, कभी साइड में करती हूँ। इसी तरीके से करके सिलती हूँ क्योंकि अभी जगह का कमी हो रहा है। तो इसी वजह से जहाँ मुझे अच्छा जगह मिलता है और उजाला होता है उधर ही मैं बैठ जाती हूँ कपड़ा सिलने के लिए। तो रात को उधर ही सिलती हूँ, थोड़ा साइड में सिलती हूँ। तो चलिए मैं सिल लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर में। कपड़ा सिल ली हूँ और अब मैं इधर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी हो गया है टाइम 3:30 बज गया है। तो इस समय भी हम लोग चाय पीते हैं, 3:30-4 बजे के करीब चाय पीते हैं। और चाय पीने के बाद फिर बाबू को भी ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ लाल चाय और उसके बाद उसी में मैं फिर बनाऊँगी दूध वाली चाय। तो आज थोड़ा सा किचन को मैंने चेंज किया, जो पानी का जो बकेट है ना उस साइड रखी हूँ। और ये है भिंडी, भिंडी को मैंने इस तरीके से काट लिया है। और ये जो बैटर है बेसन और चावल का, इसी में मैं ऐड कर दी हूँ कटा हुआ भिंडी। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। एक तरीके से आप भिंडी का पकौड़ा भी कह सकते हो। और तेल गर्म हो गया है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके भिंडी को ऐड करूँगी। और बहुत अच्छा लगता है खाने में, पूरा कुरकुरा होता है। आप लोगों को फ्राई करने के बाद आप लोगों को मैं आवाज़ भी सुनाऊँगी और बहुत टेस्ट भी लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सा मेरे पास थोड़ा सा भिंडी था तो मैं सोची चलो इसका मैं पकौड़ा ही बना लेती हूँ। तो चलिए सुनिए आप लोग इसका साउंड, इसका आवाज़ बहुत कुरकुरा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को खा के भी सुनाती हूँ इसका आवाज़। अब मैं मिलता आप लोगों के साथ डायरेक्ट शाम को। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एंड आप सभी लोगों को दिल से नमस्ते। और अभी हो रहा है टाइम 10 या फिर 10:30 बज रहा है। और अब मैं हेयर में ऑयल करूँगी क्योंकि कल है संडे और संडे हेयर वॉश करूँगी। तो इसी वजह से अभी मैं हेयर में ऑयल लगा के सोऊँगी। तो चलिए मैं हेयर में ऑयल किस तरीके से लगाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी देखिए। एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हेयर में ऑयल लगाने के लिए। सबसे पहले मैंने सस्पेन में पानी गुनगुना गर्म कर लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म कर लिया है। और एक कटोरा इसमें रखी हूँ और इसमें थोड़ा सा भी कोकोनट ऑयल, जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है। और अभी मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल इसी में ऐड करूँगी और इन दोनों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो अब कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं हाथ से ही, यानी कि उंगली से ही मिक्स कर ली हूँ। तो इस तरीके से मिक्स कर लेना है और गुनगुना गर्म ही रहेगा कोकोनट ऑयल। और अभी मैं अच्छे से हेयर में लगा लूँगी और मुझे
बहुत अच्छा लगता है। कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा जेल दोनों को मिक्स करके लगाने में और जो हेयर में भी ना एक बाउंस भी होता है, मेरे हेयर में होता है जब मैं लगा लेती हूँ उसके बाद हेयर वॉश करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से बाउंस करता है। और मैंने हेयर फिर से मैंने कटवाया, क्यों कटवाया, क्योंकि मैं हेयर में ना कलर लगाई थी तो उसी के कारण ना मेरा हेयर डैमेज हो गया था, पूरा फट गया था। तो इसी वजह से दुर्गा पूजा के समय मैंने थोड़ा थोड़ा सा फिर से मैंने अपने हेयर को कटवा लिया है। अभी और मैं कलर नहीं लगाऊंगी हेयर में क्योंकि हेयर डैमेज हो जाता है, मुझे पता नहीं था, इस बार पता चला क्योंकि मैंने पहले भी एक बार कटवाया और उसके बाद मेरा हेयर बहुत अच्छे से ग्रोथ भी किया था और बाउंस भी हुआ। बाउंस एक होता है ना हेयर में, वैसा हुआ था, लेकिन फिर से मैंने हेयर में कलर लगाने के बाद फिर मेरा हेयर डैमेज हो गया, फटने लगा, तो अब दोबारा और कलर नहीं करूँगी। तो इस तरीके से मैंने हेयर में ऑयल लगा ली हूँ और आप लोग भी चाहते हो तो आप लोग भी लगा सकते हो, तो मैं इसी तरीके से ही लगाती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।